हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आई होप आप सब अच्छे हैं। और हम हैं इस समय मॉस्को में, तो जर्नी हमारी कुछ लोकल रशियन फ्लाइट में इस खाने से स्टार्ट हुई और हम फाइनली आ गए हैं मॉस्को एयरपोर्ट। यहाँ पे हमें गणेश भगवान दिखे, जो कि रशिया में बहुत रेयर ही दिखने को मिलता है, तो हम थोड़ा उसको भी शूट किए। और ये है मॉस्को एयरपोर्ट। तो मॉस्को एयरपोर्ट से निकल के हमें जाना है अपने फ्लैट, और सेंटर में जाने के लिए अब या तो मेट्रो या टैक्सी कर सकते हैं, तो हमने टैक्सी प्रेफर किया। और तो एक डेढ़ घंटे के सफ़र के बाद हम रेड स्क्वायर पे उतरे और हमें सबसे पहले इंडिया का फ्लैग दिखा, जो कि बहुत अच्छा लगा। और ये मॉस्को की मॉर्निंग, ये भी अच्छी थी। और इसके बाद हम ट्रैवल करने के बाद रात में निकले थे, तो कुछ खाए पिए नहीं थे, तो फाइनली हमने ऑर्डर किया ढेर सारा खाना मैकडी में। मैकडी नहीं, उसने दोष का बोल सकते हैं, क्योंकि मैकडी बंद हो चुका है आफ्टर बैन। और ढेर सारा खाया पिया हमने, उसके बाद हम फ्लैट निकले। भाई आपको फ्लैट दिखाते हैं, ये हैंगर्स वगैरह, यहाँ पे जैकेट्स वगैरह रखते हैं हम। और ये 2BHK फ्लैट का पहला बेडरूम, आप देख सकते हैं सब कुछ, पिल्लो, ब्लैंकेट, टॉवल। टीवी में भी हम यूट्यूब से सारी वीडियोस देख सकते हैं। और दूसरा रूम ये है, यहाँ पे एक सोफ़ा रखा हुआ है, बेड है, और इधर किचन है, डाइनिंग टेबल, ओवन, केटल, सब हमें फ्लैट से ही मिला था, ढेर सारे प्लेट्स, कप, और फ्रिज वगैरह भी सब चल रहा था। क्योंकि उफा में भी हम फ्लैट बुक करते हैं तो कभी वॉशिंग मशीन नहीं चलती, कभी फ्रिज नहीं चलता। ये हमारा बाथरूम था, और यहाँ पे भी वॉशिंग मशीन थी जो कि चल रही थी। और खाने पीने के बाद, सेटल होने के बाद हम निकल लिए घूमने। बाई मेट्रो ही हमने प्रेफर किया घूमना, और रशियन मेट्रो भी अपने आप में एक बहुत एडवेंचर चीज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनी कल्चरल चीज़ों को प्रमोट किया है बाई मेट्रो स्टेशंस। आप देख सकते हैं ये सारी वर्ल्ड वॉर में जो चीज़ें थी वो इन्होंने यूज़ की हैं, और कोशिश किया है दुनिया को बताने की, अपने कंट्री वालों को बताने की कि हम ये थे और हमें कभी ये भूलना नहीं चाहिए। दे फॉट वेरी वेल। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं मर्करी सिटी वाले मेट्रो स्टेशन। आइए बाहर निकलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या है। So guys, this is the Mercury Mall, जहाँ पे पठान और रुबिया ने मिल के वो रक्त बीज चुराया था। So these are the skyscraper, Russian skyscrapers। ये कॉपी तो नहीं कर सकते, कह सकते अमेरिका की, क्योंकि वो बिल्डिंग्स थोड़ी लाइट रहती हैं, ऊँची रहती हैं, बट लाइट, ये हैवी है, मतलब इनका डायमीटर बड़ा है। अमेरिकन स्काई स्क्रैपर और रशियन स्काई स्क्रैपर्स में यही डिफरेंस है। सो दैट्स ऑल, अभी हम अंदर जाएंगे। और मर्करी मॉल तो बंद है क्योंकि हम आए हैं इसमें 8 बज रहे। और इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में से हम जाएंगे एफी मॉल और देखेंगे वहाँ पे कुछ खाने पीने की व्यवस्था, क्योंकि अभी हो चुके हैं 9, और बेसिकली इस टाइम तक हम लोग घर पे भी और उफा में भी जब खा लेते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं अंदर एफी मॉल के। ये पता नहीं कुछ स्पेस स्टेशन टाइप लग रहा है, बट क्या है हमें भी नहीं पता। और ये है एफी मॉल, ये पूरा सर्कल में है, और थोड़ी डेकोरेशन वगैरह भी फर्स्ट फ्लोर पे, गिफ्ट्स वगैरह पता नहीं किस चीज़ के गिफ्ट बना के रखे हैं, आप देख सकते हैं। और फोर्थ फ्लोर पे हम हैं, और फोर्थ फ्लोर पे ये आप देख सकते हैं, ये वी पार्क करके कोई जोन है, गेमिंग जोन है, और लोग खेल रहे हैं यहाँ पे बैठ के। कॉस्टली बहुत ज़्यादा है, हमने स्टार्टिंग में ही प्राइजेस वगैरह देखे, बहुत कॉस्टली है। तो ये ऊपर से ऐसा व्यू है, और हम और घूमेंगे, क्योंकि हमें ऐसा सुनने में आया कि यहाँ के हर फ्लोर पे कम से कम 60 से 70 डिफरेंट टाइप के रेस्टोरेंट्स हैं। और ये आप देख सकते हैं पूरा, मतलब पूरा मॉल सिर्फ रेस्टोरेंट और सारे ब्रांडेड शोरूम्स, जो बैन नहीं हुए हैं बेसिकली, इस टाइम तक मोस्टली बैन नहीं हो गए हैं,
से भरा हुआ है। और ये एक कॉफी शॉप, जो कि कोई बैठा तो है नहीं यहाँ पे, बट ये काफ़ी अट्रैक्टिंग लगा क्योंकि ये पूरे ग्लोब में दिखा है कहाँ पे कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है, कहाँ पे कितना होता है। और ये ऐसे घूम रहा था तो काफ़ी लोग भी थे जो इसकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे। और फाइनली हमने रात का खाना खाया और KFC खाया, क्योंकि नया हमने किसी रेस्टोरेंट में ट्राई नहीं किया। खाने पीने के बाद हम मॉल से निकले और हमने कोशिश की कि थोड़ा बहुत और घूमा जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम थके हुए थे, हमने दिन में रेस्ट नहीं किया था। तो हमने मेट्रो स्टेशन से ही देखा बलशोई थिएटर कोई है, वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा नाम है उसका, मतलब कोई भी ब्लॉगर वगैरह या फिर जो ट्रैवलर होते हैं वो उसको सजेस्ट करते हैं, बलशोई थिएटर का एक शो तो ज़रूर देखना चाहिए। तो हम सोचे कि चलते हैं और देखते हैं, बट उसी बीच रशियन मेट्रो फिर से दिखी, जो कि मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना तगड़ा होगा। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इस पे आर्किटेक्चर का वो यूज़ हुआ है, और बहुत ही अच्छा लगा। मतलब हर स्टेशन पे आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, हर स्टेशन पे मतलब बिल्कुल डिफरेंट, और बहुत मेहनत की गई है इस पे रियली। आप देख सकते हैं ये पूरा सब मेटालिक है। और तो फाइनली हम आ चुके हैं, ये भी सेंटर ही है, मतलब आप देख सकते हैं क्रेमलिन वाली बाउंड्री दिख रही है। और अभी भी न्यू ईयर की जो डेकोरेशन है वो हटाई नहीं गई है। ये लाइटिंग वगैरह हम आने से पहले ही सर्च वगैरह किए थे, तो पता था कि 1-1.5 महीने तक रहती है, तो लाइटिंग वगैरह न्यू ईयर की देखने को मिलेंगी। और जैसे ही हम बलशोई थिएटर में गए, वहाँ पे पता चला कि ये लास्ट शो चल रहा है, इसके बाद कोई शो नहीं है, तो हमें निराश होकर लौटना पड़ा। बट जो ठंड थी वो भी काफ़ी बढ़ गई थी, तो हमने कहीं और घूमना भी सही नहीं समझा। और फाइनली हम वापस आए वहाँ से, नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन था वहाँ से। और ये आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपने फ्लैट के जो सबसे पास वाला मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे। आपको आगे भी ब्लॉक्स में इस मेट्रो स्टेशन की झलकियाँ देखने को मिलेंगी। तो 250 मीटर की दूरी पे है ये वाला मेट्रो स्टेशन, और ये आप रोड देख रहे हैं, इस रोड को क्रॉस करते ही आगे ही है। तो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, आगे भी वीडियो हम लाएंगे, हमने क्या क्या किया वहाँ पे, कहाँ कहाँ गए आगे की 3 दिन के ट्रिप की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।